हेलो गाइस, ये छोटा पैकेट हमारे साथ है और ये आज हमारा होस्ट है। हमें बताएगा कहाँ कहाँ घूमना है। हम निकल गए हैं डे वन उज्जैन एक्सप्लोर करने। हम कहाँ जा रहे थे अभी? जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश की उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है ये महाकाल मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर का अर्थ है समय का महाविनाशक, जो भगवान शंकर के लिए भी यूज किया जाता है। यह मंदिर इसलिए भी अनोखा है क्योंकि माना जाता है कि महाकाल शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात जैसे दूसरे ज्योतिर्लिंग किसी अनुष्ठान के कारण प्रकट हुए, यह शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ है। उज्जैन हिंदुओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो उज्जैन के अलावा भारत 3 पवित्र जगह हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में लगता है। ये नॉर्मल क्यू विदाउट पास जा रहे हैं। कोवल बहुत ही गर्मी हो रही है, पैर चल रहे हैं। बोलते ना, बिल्कुल सिर्फ तप रही है जमीन, वो हो रही है। महाकाल जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर हम ठीक है, हम जा रहे हैं नंगे पैर। और हमने पेड़ दर्शन नहीं, हम लाइन में लग के जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में हमारे दर्शन होते हैं विदाउट चार्जेस। हाँ, ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि पेड़ तो हमारे जगह करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह दर्शन करते हैं। अरे बढ़िया, बैग वैग सब अलाउड है, देख रहे मैं बैग लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन भी अलाउड है, लेकिन फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, शूट कर लो। इसलिए हम बाहर से शूट करके आपको दिखाएंगे, जितना भी कर सकते हैं कॉरिडोर में जाके। स्टे ट्यून्ड, जय महाकाल। हमारे यहाँ महाकाल के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। अब हम चलिए मंदिर परिसर में बने हुए और भी आसपास के मंदिर विजिट करते हैं और आपको भी कराते हैं वहाँ के दर्शन। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद चलते हैं उज्जैन के दूसरे प्रसिद्ध मंदिरों में। शुरू करते हैं श्री बड़ा गणेश मंदिर से। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ विराजमान गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही बड़ी है। करीब 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी यह प्रतिमा पूरे भारत में सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ दर्शन करने से आपके सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और नेक्स्ट स्टॉप है भरथरी गुफा। ये शिप्रा नदी के रम्य तट पर स्थित है। यह मंदिर गुप्त राजा विक्रमादित्य के भाई और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ज्योतिषी राजा भोज के गुरु भर्तहरि को समर्पित है।
यह मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार राजा भर्तृहरि ने दुनियादारी त्याग दी थी और इस गुफा में आकर तपस्या करने लगे थे। दूसरी कहानी यह बताती है कि यह गुफा एक लंबे सुरंग का हिस्सा है जो नर्मदा नदी तक जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए आपको सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। गुफा के अंदर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गुफा के अंदर और भी गुप्त कमरे हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। भर्तृहरि गुफा के साथ ही यहाँ पर है नवनाथ मंदिर, जो गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिनको नवनाथ माना जाता है। तो उनकी प्रतिमा के साथ साथ ही यहाँ बाकी के 8 नाथ भी आपको देखने को मिलेंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। यहाँ आपको बहुत बड़ी गौशाला भी मिल जाएगी, जिसमें हमने भी चारा खिलाकर गौ सेवा की। यहाँ से निकलकर हम आपको उज्जैन के एक अनोखे मंदिर गढ़कालिका मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में शक्ति और विनाश की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी काली को नॉर्मली शिव की छाती पर खड़ी मुद्रा में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह अलग है। चलिए अब हम आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन कराते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है, जिसका अंदाजा आप यहाँ पर लगी इन हजारों मन्नतों के धागों से लगा सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के भयंकर रूप काल भैरव को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के रक्षक और बुरी शक्तियों के संहारक माने जाते हैं। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि महाकाल के मंदिर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है। सो हर हर महादेव। काल भैरव मंदिर कई वजहों से खास है। सबसे पहले यहाँ भैरव जी की मूर्ति को कुत्ते की सवारी पर विराजमान दिखाया गया है। दूसरी खासियत यह है कि यहाँ भैरव जी को तेल चढ़ाया जाता है, ना कि जल। यहाँ पूजा करने की विधि भी थोड़ी अलग है और यहाँ भैरव जी को मदिरा का भोग लगाया जाता है। अब चलते हैं हमारे उज्जैन डे वन के आखिरी मंदिर में, श्री हर सिद्धि मंदिर। यह मंदिर माता आदि शक्ति को समर्पित है, जिन्हें कई रूपों में पूजा जाता है। यहाँ हर शाम होने वाली दीप माला काफी फेमस है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं माता के दर्शन।
मान्यता है कि हर सिद्धि माँ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए इस स्थान को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और यह एक शक्ति पीठ भी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ की प्रसिद्ध दीपमाला, जहाँ कई हजारों दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है। उज्जैन डे टू व्लॉग में भी है आपके लिए बहुत कुछ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मल्टन स्माइल्स।